है के हेडिंग को टीचर की हैंडराइटिंग से भी बेटर हैंडराइटिंग में लिखेगा। लेट मी सी, राइट डाउन द हेडिंग ऑन योर नोटबुक्स। देखते हैं कितने बच्चे क्लेम करते हैं कि मैंने सर आपसे बेटर हैंडराइटिंग में लिखा। कल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, करंट इज नॉट हैविंग ओनली केमिकल इफेक्ट्स, इट हैज डिफरेंट इफेक्ट्स। तो व्हाट आर दोज डिफरेंट इफेक्ट्स, वी विल थ्रो अ लाइट ऑन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा थोड़ा जानेंगे कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, फिर हम केमिकल इफेक्ट्स को डीप में लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ऑल माई स्टूडेंट्स शुड बी क्लियर अबाउट सर्टन सिंबल्स। ये सिंबल्स आपको पता ही होने चाहिए और साथ में कॉपियों पे बना लेना। क्यू का मीनिंग होता है चार्ज, स्मॉल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब है टाइम, आई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, कभी कभी सिंपली करंट भी बोल देते हैं, एक ही बात है। शाबाश, जल्दी से बना लो। और ये वाला सिंबल होता है बल्ब का, और इसको लैंप भी बोल देते हैं बच्चे। ये सिंबल होता है करंट के रास्ते में रुकावट डालने वाला, रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये सिंबल होता है ऑन ऑफ स्विच का, ऑन ऑफ स्विच भी बोल सकते हैं इसको, की भी बोल सकते हैं, राइट बेटे, ध्यान से फटाफट। और ये सिंबल होता है सेल का, सेल जो हमें करंट देता है। काफी सारे सेलों को ऐसे लाइन में लगा दें तब इसको बैटरी बोलते हैं, बैटरी। आर यू मेकिंग दिस सिंबल चार्ट? यस वेरी गुड। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये सिंबल जो होता है वो फैन का होता है, ठीक है। राइट डाउन, अब आपको कुछ और भी याद करना है क्या? जब भी आपको चार्ज को मापना है तो कूलम्ब यूनिट में मापना है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए चार्ज की, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। टाइम को जब भी आपने मापना है बेटे, सेकंड्स में मापना है। करंट को जब भी मापना आपको एम्पियर में मापना होगा, एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस को जब भी मापना होगा ओहम में मापना होगा। सेल देखना है कितने कितना स्ट्रांग है तो वोल्ट में मापना होगा। बैटरी को भी वोल्ट में मापते हैं। गॉट इट? सारे बच्चे बना लो। और एक घरों में आपने इस तरह की चीज देखी होगी जरूर, और मेरे को बताओ आपने देखी है या नहीं देखी बेटे। क्या सभी बच्चों ने इस तरह की चीज देखी है घरों में? बोलो यस और नो। इस तरह की चीज देखी है आपने घरों में? यस क्या बोलते हैं इसको? स्विच
इसको बोलते हैं सॉकेट, सॉकेट। और ये सॉकेट अगर छोटा हो तो 5 एम्पियर का और होता है, बड़ा हो तो 15 एम्पियर का। और आपने ये वाली चीज देखी है बेटे, ये वाली चीज मेरे को सच सच बताना, कौन से बच्चे ने ये वाली चीज घर में देखी है और मेरे को सच सच बताएगा। Have you seen this? क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? पिन प्लग प्लग, टू पिन प्लग। इस प्लग को सॉकेट में डालते हैं बेटे, और एक ये सिंबल होता है, इसको फ्यूज का सिंबल बोलते हैं। का बेसिक नॉलेज था जिसमें टीचर ने यूनिट्स एंड सिंबल्स अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बताए, जरूरी जरूरी बताए आपकी क्लास के मुताबिक। इतने तो कम से कम होने चाहिए याद आप, वरना इससे पूरा बोर्ड भरा जा सकता है। अब हम देखते हैं बेटे करंट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, करंट इफेक्ट्स। बेटे बेटे ये कौन सी क्लास है? एक क्लास में बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, बच्चे आराम बीच में रोमिंग करी जा रहे हैं। बैठो जल्दी से, आवाज। शाबाश, टेक योर सीट, एटलीस्ट 6 आवर स्टूडेंट्स आर स्टिल स्टैंडिंग। एफ क्लास प्लीज स्विच ऑफ द माइक। सो बेटे क्या करंट के इफेक्ट्स देखते हैं, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम देखने लगे हैं लाइट इफेक्ट, लाइट इफेक्ट। ध्यान से देखो बच्चे, अब पूरा ध्यान से देखना टीचर कर क्या रहा है बोर्ड पे। बेटे मैंने क्या किया, एक बल्ब लिया और इस बल्ब के साथ ये ऑन ऑफ स्विच लगाया, उसके बाद बैटरी लगा दिया, राइट। अब कौन बच्चा बताएगा, अगर मैं इस बैटरी के इस नॉब को ऐसे नीचे को दबा दूं तो बल्ब के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? जब तक ये स्विच का नॉब नीचे बिल्कुल सही, अभी तक ये ऑफ है बेटे। अगर स्विच ऐसे हो, बीच में गैप हो, इसको बोलते हैं ऑफ। अगर ये दोनों आपस में टच कर जाएं तो हम इसको बोलते हैं ऑन, ऑन स्टेट, ऑफ स्टेट। तो अभी तक ऑफ है, जैसे ही मैंने इनको टच कर दिया तो ये ऑन हो गया बेटे। ऑन करने से ये बल्ब से ऐसे लाइट निकलने लगेगा। क्यों निकला? क्योंकि बल्ब के थ्रू करंट गया। कहां से आया? बैटरी से आया, और बैटरी के लंबी वाली साइड को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, वहां से करंट चलता है, बल्ब में घूमता है, और वापस छोटी वाली साइड जिसको नेगेटिव बोलते हैं उसमें ये करंट वापस आता है। सर्किट कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए, और अब सर्किट कहीं से नहीं टूटा होगा तभी करंट फ्लो करेगा, और जब सर्किट कहीं से टूटा ना हो, स्विच ऑन हो, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं बेटे? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट जब होगा तो आपका बल्ब ग्लो करेगा, और इसको हम लाइट इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे, लाइट इफेक्ट ऑफ करंट। समझ आया इतना? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड, कि हमें लाइट इफेक्ट समझ आ गया सर। गुड जॉब, शाबाश, गुड जॉब। अब हम एक दूसरा इफेक्ट समझते हैं बेटे, उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट को नोट करने के लिए
सभी बच्चे नीचे फिगर को देखेंगे ध्यान से। क्या है? मेरे पास एक हीटर है। हीटर क्या है बेटे? हीटर। ओके। और इस हीटर के अंदर इस तरह से जिगजैग लाइंस होती हैं, जो कि अभी तक ये इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है। अब इसमें हम ये नाइक्रोम की वायर डाल देते हैं। नाइक्रोम की वायर, गॉट इट? जैसे हम नाइक्रोम की वायर डालते हैं तो इसके इस टर्मिनल से हम ऐसे लाकर स्विच को दे देते हैं, और दूसरा टर्मिनल ऐसे बैटरी से ले जाकर इधर बैटरी को दे देंगे। गॉट इट? यस अब मेरे को कोई बता सकता है, जैसे ही मैं इस की को ऑन करूंगा, स्विच को ऑन करूंगा, तो क्या होगा हीटर में? बोलो। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो हीटर की वायर में क्या इफेक्ट आएगा? सही कह रहे हो। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है, जो कि दिसंबर महीने में थोड़ा सा ठंड महसूस कर रहा है, वो अपना हाथ ऊपर करेगा और उसको गर्मैश फील होएगी। हीट इस हीट यहां से ऊपर को हीट की हीट रेडिएशंस निकलेंगी। तो इस तरह से ये तभी पॉसिबल है जब की को ऑन करेंगे और करंट निकलेगा और वापिस आएगा। सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा, इस करंट ने यहां पर हीट हीट पैदा कर दी। जानते हो ये कितनी हीट होती है? अगर कोई बच्चा मेरे से पूछना चाहे, मैं कहूंगा बेटे इस हीट को अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, एच मतलब हीट,